नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे विडाल टेस्ट के बारे में और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टेस्ट लगाएंगे। ये हमारे पास स्लाइड है और स्लाइड में आपको दिख रहा होगा मेंशन किया हुआ है लेबलिंग ओ ए एच पॉजिटिव कंट्रोल, एच बी एच और नेगेटिव कंट्रोल। तो अलग अलग सर्कल दे रखे हैं, 6 सर्कल आपको जो है स्लाइड में मिल जाते हैं और इस तरीके से आपको एंटीजन मिल जाते हैं साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी का, और पॉजिटिव कंट्रोल भी साथ में मिल जाता है। टाइफी ओ आर एच है और पैराटाइफी ए एच और बी एच है, और इस तरीके से एंटीजन आपको मिल जाते हैं। और आपको टेस्ट लगाने के लिए आपके पास ये स्लाइड है और उसके बाद ये एंटीजन्स हैं आपके पास, और आपको चाहिए होगा सैंपल के तौर पर सीरम। और जैसे कि आप एंटीजन अगर देखेंगे तो इनमें अच्छे तरीके से कलर्डफुल दे रखे हैं ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। जैसे कि आप ब्लड ग्रुप वाले देखते हैं ना, तो तीनों कलर्ड से आप पहचान जाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी कलर्ड अलग दे रखे हैं ताकि आप इनको आइडेंटिफाई कर सकें। और ये एक्सपीरियंस से आता है, जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन से कलर का कौन सा एंटीजन है। तो इस हिसाब से जो है कलर बहुत अहमियत रखता है आपको पहचानने के लिए भी, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद एंटीजन से आपके पास हैं और इनको यूज करने से पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है प्रॉपर तरीके से, ताकि ये क्योंकि सेडिमेंट हो जाते हैं नीचे, फिर कलर आपको देखने को नहीं मिलता। ये हमारे पास सीरम का सैंपल है और हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया है, हमारे पास प्लेन ट्यूब में ये सीरम का सैंपल है जिसका हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। और सबसे पहले हम क्वालिटी टेस्ट इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें मालूम चल सके कि कौन सा एंटीजन में एग्लूटिनेशन आएगा, केवल उसी का हम जो है क्वांटिटी टेस्ट लगाएंगे। क्योंकि सभी का डाइल्यूशन लगाना फिर अगर वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है और काम टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम सबसे पहले जल्दी जल्दी जो है क्वालिटी टेस्ट लगा लेते हैं। इसके लिए आपको 50 माइक्रोलीटर आपको सीरम सभी में ऐड कर देना है। वन वन ड्रॉप कहने का मतलब कि वन ड्रॉप जो है 50 माइक्रोलीटर ही होता है। मैंने 50 माइक्रोलीटर सीरम सभी में इस तरीके से सावधानीपूर्वक आपको ऐड कर देना है। सर्कल के बाहर नहीं होना चाहिए, सर्कल के अंदर ही आपको रखना है, ताकि अगर सर्कल के बाहर चला जाएगा एक दूसरे से वो मिक्स हो जाएंगे जब आप एंटीजन ऐड करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है एक दूसरे से मिक्स ना हो, प्रॉपर तरीके से सर्कल जो बना रखा है उसी के अंदर ही आपको ये ड्रॉप ऐड करना है। तो सावधानीपूर्वक ये टेस्ट परफॉर्म करें जब आप टेस्ट लगाते हैं, तो विशेष तौर पे उसी बात का ध्यान रखना है। और जब आप मिक्स करते हैं उस समय हमें ध्यान रखना है कि जो स्टिक हम यूज करते हैं, चाहे कुछ भी आप यूज करें मिक्स करने के लिए, तो एक ही साइड का इस्तेमाल सभी में ना करें, अलग अलग साइड ले करके आपको मिक्स करना है, ठीक है, ताकि कंटामिनेशन के चांसेस ना रहें। अब हमें जो है सीरम वन वन ड्रॉप हमने ऐड कर लिया, इसके बाद ओ वाले में हमने ओ का वन ड्रॉप डाल दिया एंटीजन, बहुत आसान है ये। उसके बाद हमने एच उठाया और एच वाला एंटीजन वन ड्रॉप हम एच वाले सर्कल में डाल देंगे, टच नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना इस बात का, ऊपर से ही आपको ड्रॉप गिराना है, टच ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो कंटामिनेशन हो जाएगा और आपका एंटीजन फिर किसी काम का नहीं रहेगा, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ये ए एच वाला है तो ए एच वाले सर्कल में हम ऐड कर देंगे वन ड्रॉप, उसके बाद बी एच ले करके, और एंटीजन्स जितने भी हैं इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ही आपको जो है यूज करना है, टेस्ट लगाना है। इस तरीके से आपने बी एच ले लिया वन ड्रॉप, और बी एच लेने के बाद अब आप पॉजिटिव कंट्रोल अगर आपको लगाना है, आइडिया नहीं है तो पॉजिटिव कंट्रोल आप लगा सकते हैं। पॉजिटिव कंट्रोल के लिए कुछ नहीं, वन ड्रॉप एज ए सैंपल, जैसे आप सैंपल वन ड्रॉप लेते हैं तो वन ड्रॉप ये पॉजिटिव कंट्रोल भी आप ले सकते हैं। वन ड्रॉप लेने के बाद कोई सा भी एंटीजन आप उसमें डाल देंगे, वो पॉजिटिव एग्लूटिनेशन उसमें शो करेगा ही करेगा, तो वो आपको देखने के लिए आसान हो जाएगा कि एग्लूटिनेशन कैसे आता है। पॉजिटिव कंट्रोल का ये मकसद होता है। और नेगेटिव कंट्रोल भी आप लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है, तो वो तो सिंपल है, एग्लूटिनेशन नहीं आता है तो वो आपको तो पता चल ही जाता है कि एग्लूटिनेशन कैसा होता है और जिसमें एग्लूटिनेशन नहीं होता है वो कैसा होता है। अब ये हमने सब में जो है वन वन ड्रॉप हमने ऐड कर लिए हैं सारे में, अब हमें इसको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए हमारे पास स्टिक है और इससे हम मिक्स कर रहे हैं, और एक साइड से एक ही सर्कल में हमें मिक्स करना है, सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए, और दूसरा साइड करने के बाद दूसरे में हमें मिक्स करना है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है, आप देख सकते हैं, और दूसरा साइड लेकर के दूसरे सर्कल में मिक्स करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है मिक्स करते समय। जल्दी जल्दी में कभी कभी ये हो जाता है कि एक ही साइड से हम दो जगह मिक्स कर देते हैं, उसमें कंटामिनेशन हो जाएगा और फॉल्स रिजल्ट के चांसेस बन जाते हैं। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद आपके पास अगर रोटेटर है उसमें आप रोटेट कर सकते हैं स्लाइड को, नहीं है तो हाथ से इस तरीके से आपको रोटेट करना है ताकि चारों तरफ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए आपका एंटीजन और सैंपल।
तो दोनों रिएक्शन करेंगे। अगर सलमनेला टाइफी या पैराटाइफी कोई भी अगर प्रेजेंट है, एंटीबॉडी आपके बॉडी में बना है, ठीक है, तो एंटीबॉडी बनता है एक्चुअली अगर आपको इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी चीज़ का, चाहे वायरल हो, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाता है, उसी चीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं। तो अब आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, एच वाले में आपका एग्लूटिनेशन आ रहा है और पॉजिटिव कंट्रोल में एग्लूटिनेशन आ रहा है, बाकी तीन में नहीं आ रहा है एग्लूटिनेशन। इसका मतलब एच में जो है कहीं ना कहीं एच वाला जो है एंटीबॉडी आपका है आपके बॉडी के अंदर, तो वो चीज़ शो हो रहा है इसमें और इसमें क्लियर दिख रहा है। तो अब हम केवल एच वाला ही डाइल्यूशन बनाएंगे और देखेंगे क्या सच में इन्फेक्शन का लेवल कितना है, या फिर इसका हम जो है जो क्वांटिटी टेस्ट लगा रहे हैं क्वांटिटी कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो हमने जैसे कि यहाँ पर एक स्किप कर रहे हैं, 1:20 रेशो नहीं लगाएंगे और 1:40 से स्टार्ट करेंगे, 1:40, 1:80, 1:60 और 1:320 तक। तो इसके लिए सैंपल कितना लेना है ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है डाइल्यूशन बना करके, लेबलिंग करके, और 40 माइक्रोलीटर फर्स्ट वाले में ले लेंगे तो 1:40 के डाइल्यूशन बन जाएगा। और ये हमारे पास पिपेट है और माइक्रो पिपेट, इसमें हम 40 माइक्रोलीटर सेट करने के बाद 40 माइक्रोलीटर हमें सैंपल यहाँ पर सीरम लेना है, ठीक है। तो सीरम ले सकते हैं आप, यहाँ पर टच कर सकते हैं, मैं ऊपर से ही ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ड्रॉप आ रहा है, और टच कर सकते हैं आप और मिक्स भी कर सकते हैं तुरंत, उसको फैला सकते हैं अच्छे से ताकि वन ड्रॉप जब आप ऐड करेंगे बाद में जो एंटीजन है तो दिक्कत नहीं होगा मिक्स करने में। उसके बाद 20 सेट करने के बाद माइक्रो पिपेट से, और 20 माइक्रोलीटर आपने सीरम 1:80 वाले रेशो में जो है सर्कल में आपको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपने ऐड करना है। उसके बाद आपको 10 माइक्रोलीटर सेट करना है, ये बहुत आसान है। इस तरीके से आप सेट करके जो है सैंपल उसमें ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका डाइल्यूशन तैयार होता जाएगा और 10 माइक्रोलीटर सेट करने के बाद आपको यहाँ पर 10 माइक्रोलीटर जो हमने लेबलिंग करके रखे हैं, तो मैंने स्लाइड में एक्चुअली लेबलिंग नहीं किया है, पेज में लिख करके रख दिया है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके और समझ में आ सके। और 5 माइक्रोलीटर वाला जो है हमने नीचे लिया हुआ है एच वाले सर्कल में, तो वो जो है 1:320 का रेशो बन जाएगा उसमें, तो इसलिए हमने वो नीचे ले रखे हैं। तो इस तरीके से 10 माइक्रोलीटर यहाँ पर आपने सैंपल लेना है और सीरम का सैंपल। उसके बाद 5 माइक्रोलीटर सेट करने के बाद 5 माइक्रोलीटर आपको नीचे जो सर्कल है उसमें आपको ऐड कर देना है। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 चार सर्कल हमने इस्तेमाल किए हैं और 4 डाइल्यूशन जो है हमने बनाए हैं 40, 80, 160 और 320 का, और 1:20 हमने स्किप कर दिया है, ठीक। तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है चाहे तो। और उसके बाद ये 5 माइक्रोलीटर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया सीरम का सैंपल, और ये ऐड करने के बाद हमें अब जो है केवल और केवल एच का हमें डाइल्यूशन बना रहे हैं और एच का देखना है, क्योंकि एच में पॉजिटिव आया था वो हमें देखना है। तो इसलिए 1-1 ड्रॉप सभी में आपको ऊपर से ही ऐड करना है, मिक्स नहीं करना है, उस बात का विशेष ध्यान रखना, टच नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। तो ऊपर से ही आपको 1-1 ड्रॉप सभी में ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद जैसे हमने मिक्स करना है, आपको पता है किस तरीके से मिक्स करना है, स्टिक लेना है, उसमें जो है एक साइड से एक ही सर्कल में मिक्स करना है, साइड चेंज करने के बाद दूसरे साइड से दूसरे सर्कल को मिक्स करना है। इस तरीके से आप प्रॉपर मिक्स कर लें, और प्रॉपर मिक्स करने के बाद सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए, उस बात का विशेष ध्यान रखना है, फिर मैं बता रहा हूँ। यही छोटी छोटी सावधानियाँ हैं इस टेस्ट में, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छे से रोटेट करना है, प्रोसीजर आप देख सकते हैं कैसे रोटेट करना है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और 1 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं अगर किसी सर्कल में पॉजिटिव आ रहा है तो वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और 2 मिनट तक आप देखें कि कौन से सर्कल में जो है एग्लूटिनेशन आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ तक और कौन से डाइल्यूशन तक जो है एग्लूटिनेशन आ रहा है, उस हिसाब से हम रिपोर्टिंग करेंगे। अगर 1:80 तक आ रहा है तो नेगेटिव देते हैं, और 1:80 के बाद अगर किसी सर्कल में पॉजिटिव आता है तो हम वहाँ से पॉजिटिव देना स्टार्ट करते हैं। पहले मॉडरेट होता है, फिर सीवियर इन्फेक्शन है तो लास्ट वाले में भी आपको देखने को मिल जाएगा डायलूशन में। तो
1:60 के बाद 1:60 जो होता है वो मॉडरेट होता है इन्फेक्शन। अब आप इसमें देख सकते हैं केवल 2 में ही एग्लूटिनेशन आ रहा है, ठीक है, जो 20 और 80 का जो रेशो बना है केवल उसी में एग्लूटिनेशन आ रहा है। स्पष्ट मैं इमेज आपको दिखा दूंगा ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए, और जो 160 और 320 है उसमें नहीं आ रहा है। आप इसमें भी देख सकते हैं, और क्वालिटी थोड़ा वीडियो का बढ़ा करके देखेंगे तो स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा और दिखाई देगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आखिरी मैं इमेज ऐड करूँगा, इमेज में आपको क्लियर दिखाई देगा और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्लूटिनेशन आ रहा है, ताकि आपको जो है पहचानने में दिक्कत ना हो। आप क्लियर देख सकते हैं केवल 2 में ही आ रहा है एग्लूटिनेशन, बाकी 2 में जो है आखिरी के 2 में नहीं आ रहा है। तो अगर तीसरे नंबर में भी आ जाता तो हम पॉजिटिव इसको दे देते 1:60 में, अगर 1:60 में आता तो ठीक है। तो इस तरीके से इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये क्लियर जो है 2 में ही आ रहा है, 1:40 और 1:80 में ही आ रहा है एग्लूटिनेशन।